और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रांची से, जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बता दें आपको कि कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा, देर शाम कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों की सूची जारी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई है सीईसी की बैठक। बैठक में झारखंड कांग्रेस के बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो सकती है घोषणा। रांची, गोड्डा, धनबाद और पलामू के उम्मीदवारों की सूची हो सकती है जारी। आरजेडी के साथ पलामू और चतरा पर पेच जो है वो फंसा हुआ है। रांची और धनबाद सीट पर भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बता रही है कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा, देर शाम कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों की सूची जारी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में झारखंड कांग्रेस के बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो सकती है घोषणा। रांची, गोड्डा, धनबाद और पलामू के उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। आरजेडी के साथ पलामू और चतरा पर पेच जो है वो फंसा हुआ है। फिलहाल रांची और धनबाद सीट पर भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। उम्मीदवारों की घोषणा, देर शाम उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में झारखंड कांग्रेस को बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो सकती है घोषणा। रांची, गोड्डा, धनबाद और पलामू के उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। आरजेडी के साथ पलामू और चतरा पर पेच फंसा हुआ है। रांची और धनबाद सीट पर भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, देर शाम कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों की सूची जारी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेच जो है वो फंसा हुआ नजर आया था। ऐसे में कांग्रेस अब जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। देर शाम कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस ने भी झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। इनमें से खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन अभी भी कई सीटों पर सूची जारी करना बाकी है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। 4 सीटों पर रांची, गोड्डा, धनबाद और पलामू के उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रांची से जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। अगर हम बात करें तो देर शाम उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में झारखंड कांग्रेस के बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो सकती है घोषणा। रांची, गोड्डा, धनबाद और पलामू, तो अगर 3 सीटों की हम बात करें तो झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल का नाम सामने आ चुका है।
इससे खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, कांग्रेस ने अपने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी भी 4 सीटों पर कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की घोषणा करना भी बाकी है और ऐसे में बैठक भी बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक है, सीईसी कमेटी को बैठक बुलाई गई है, दिल्ली से जो कांग्रेस मुख्यालय है उस वहां पर बैठक होगी, उसमें सीईसी की बैठक में झारखंड भी शामिल है। वैसे में झारखंड की जो बाकी सीटें हैं, 4 सीटें, इस 4 सीटें पर जो उम्मीदवार अब तक कांग्रेस ने नहीं उतारे, उन उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया आज होगा और हो सकता है कि जैसे बैठक के बाद जो प्रत्याशियों की सूची है वो भी सूची जाहिर कर सकते हैं कांग्रेस द्वारा। इसमें से झारखंड ने और प्रदेशों की भी सूची आनी है, लेकिन उस सीईसी की बैठक में झारखंड भी शामिल है, कैसे में झारखंड की सूची भी आने की संभावना है बताई जा रही है। अगर बात की जाए उन लोकसभा सीटों की, तो धनबाद रांची है, धनबाद है, पलामू है, गोड्डा, इन चारों जगहों पर अब तक प्रत्याशी जो कांग्रेस नहीं उठा रहे। हालांकि पलामू और चतरा को लेकर राजद के साथ कांग्रेस की जो जुगलबंदी वो नहीं जम रही, जिसके कारण अब तक जो डिले है वो हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन जो फॉर्मूला है लगभग तय है, 7-7-5-1-1 के फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारी है। हजारीबाग से जेपी पटेल, जो पिछले दिनों पार्टी का दामन थामा है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। लोहरदगा से सुखदेव भगत, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर कुटी से बात की जाए तो कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास जो 4 और बाकी जो सीटें, उन सीटों को लेकर भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। प्रत्याशियों का जो हार्टबीट है वो तेज हो गया, क्योंकि रांची धनबाद की जो 2 सीटें हैं उस पर ज्यादा जीता फंसता जा रहा है, क्योंकि रांची में पहले से तय माना जा रहा था, सुबोध का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जब रामपाल चौधरी जी ने कांग्रेस का दामन थामा है, तो ऐसे में महत्व वोटर्स को टारगेट करने के लिए, साधने के लिए रामपाल चौधरी का भी नाम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। ऐसे तो झारखंड कांग्रेस ने ओबीसी और महत्व वोटर्स को टारगेट करने के लिए हजारीबाग से ही महत्व प्रत्याशी को उतार कर उन वोटों को टारगेट कर लिया, साथ लिया, लेकिन क्या रांची से भी रामपाल चौधरी को प्रत्याशी बनाकर उन वोटर्स को साधने की एक बार पूरे झारखंड में कोशिश होगी? क्योंकि रामपाल चौधरी बीजेपी से 5 बार के सांसद रहे हैं, महत्व समुदाय से आते हैं, और इस वक्त झारखंड में जो कुर्मियों की जो आंदोलन है वो तेज हो चुकी है, ओबीसी आरक्षण की बात झारखंड में इस वक्त तेज हुई है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस चाहेगी कि इन मुद्दों के साथ ही उन प्रत्याशियों को उतारा जाए। तो ऐसे में रामपाल चौधरी भी है, तो रांची से प्रत्याशियों की सूची में जो है उनका भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किनके नाम पर मोहर लगा के सुबोध कांसा है, या फिर देखिए अगर चित्रंजन अगर हम बात करें तो देखिए 3 जगह ऐसे हैं लोकसभा जहां पर काफी ज्यादा टाइट, जो कह सकते हैं गहमागहमी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, रांची हो, गोड्डा हो या फिर धनबाद, यहां के लग रहा है कि यहां पे सबसे ज्यादा पेंच जो है ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे जो नेता है वो रेस में है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अंकिता, लेकिन पलामू भी पेच राजद के साथ पेच है, राजद के साथ इसलिए पेच है क्योंकि राजद जो है पलामू और चतरा दोनों सीटों पर अपने दावेदारी ठोक दे, तो कांग्रेस के लिए 4 सीटों पेच जो है पूछा जा रहा है, 3 सीटों पर प्रत्याशी के लिए तो पलामू राजद की मांग 2 सीटों पर। हालांकि बिहार में कांग्रेस ने इसकी भरपाई कर दी, इसलिए झारखंड में ज्यादा पेच फंसता हुआ नहीं दिखेगा, पलामू से संभवतः कांग्रेस अपना प्रत्याशी अध्यक्षता उतार भी दे। बात की जाए बाकी 3 सीटों की, रांची में दो नाम ये चल रहे हैं, सुबोध कांसा है, रामपाल चौधरी, दोनों से एक को टिकट जाना है। अगर वही बात की जाए धनबाद में, तो पूर्णिमा निरंजन पहुंच चुकी है दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो प्रभारी से उन्होंने मुलाकात किया है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात करने की कोशिश बताई जा रही है कि वो मिलने की मुलाकात करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कार्यक्रम है बहुत टाइट शेड्यूल बना हुआ, जिसके कारण उनकी मुलाकात अब तक नहीं हो पाएगी। तो धनबाद में राजेश ठाकुर है, अनुप सिंह की वाइफ अनुपमा सिंह है, कुमार गौरव का नाम चल रहा, पूर्णिमा निरल सिंह है, दलय दुबे है, तो धनबाद में कई नामों की चर्चा है, सबसे आगे पूर्णिमा निरल सिंह, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा जो है फिर से बार जाहिर की पार्टी में चुनाव लड़ने, और राजेश ठाकुर का नाम चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए गोड्डा में, तो गोड्डा में दीपिका सिंह पांडे है, प्रदीप यादव है, और अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए तो अल्पसंख्यक कोटे से फुरकान अंसारी है, लेकिन
दो नामों की चर्चा सीईसी की बैठक में रखी जाएगी, दीपिका सिंह पांडे की और प्रदीप यादव की, क्योंकि प्रदीप यादव लगातार चुनाव हारे, ऐसे में उनकी जो दावेदारी है कमजोर होती दिख रही है। और हाल के दिनों में दीपिका सिंह पांडे जो है निशिकांत दुबे के साथ उनकी राजनीतिक वार झारखंड में देखने को मिली, ऐसे में दुर्ता सीट से दीपिका सिंह पांडे की दावेदारी मजबूत इसलिए भी, क्योंकि वो महिला महिला प्रत्याशी भी होंगे और इंडिया गठबंधन में अब तक महिला प्रत्याशियों के चेहरे सामने नहीं आए। ऐसे में जहाँ झारखंड में महिलाओं की आबादी आधी आधी, ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि महिला उम्मीदवार को साथ महिला वोटर्स को साधने की कोशिश होगी, इसलिए दीपिका सिंह पांडे का नाम वहां सबसे आगे चल रहा है। गुड्डा से अब दरबार का मैंने जिक्र कर दिया कि राजेश ठाकुर, मानेन्द्र सिंह, वही अगर रांची से रामदल चौधरी, सुबोध खान साहब, इन नामों की ही चर्चा होनी है, इसी बैठक में एनालाइज होगा, उसके बाद जैसा हो सकता है प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाए। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि कांग्रेस अपनी 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करी। उन सीटों की अगर मैं बात करूँ तो खूंटी से कालीचरण मुंडा का नाम सामने आया था, हजारीबाग से जेपी भाई पटेल का, और लोहरदगा से सुखदेव भगत का पहले ही नाम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन जो 4 सीटें हैं रांची, गोड्डा, धनबाद और पलामू, यहाँ पर कहीं ना कहीं पेच फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पलामू और चतरा से आरजेडी चाह रही है कि वहां से वो दाव खेले, लेकिन जो 2 और सीटें हैं रांची की मैं बात करूं, गोड्डा की बात करूं, धनबाद की बात करूं, तो यहां पर तगड़ा टाइट गहमा गमी जो है वो ज्यादा तेज हो गई, यहां पे और ज्यादा पेच फंसी हुई है। तो अब ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी, सीईसी की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, तो अब वहां पर से किन 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है अब ये तो देखने वाली ही बात होगी।